शहर पुलिस द्वारा दिवाली के पावन अवसर पर दिवाली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस समय भेंट कार्यक्रम के तहत मोबाइल चोरी, नकदी व गहनों की चोरी और धोखाधड़ी जैसे मामलों में बरामद करीब 3,78,91,900 रुपए का माल संबंधित मालिकों को सौंपा गया। सिविल लाइन स्थित पुलिस भवन में गुरुवार को हुए कार्यक्रम में अपनी चोरी गई वस्तुएं पाने वाले लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए नागपुर पुलिस का आभार माना। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही उनके परिवार को भी दीपावली की शुभकामनाएं दी। जहां सिविल लाइन्स स्थित पुलिस भवन में गुरुवार को हुए कार्यक्रम में अपनी चोरी गई वस्तुएं पाने वाले लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए नागपुर पुलिस का आभार माना। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही उनके परिवारों को भी दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मामलों का खुलासा कर माल बरामद करने वाले उत्कृष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों का पुष्पगुच्छ व प्रशंसा पत्र देकर सत्कार किया गया। इसके अलावा उज्जवल पगारिया हेलमेट के लिए जन जागृति करने वाले संजय गुप्ता, समाज सेविका प्रसिद्धि ठाकर और भरोसा सेल की महिला समुपदीक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सह पुलिस आयुक्त अश्विती दोरजे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संजय पाटिल, प्रमोद कुमार शिवाले व सभी जोन के उपायुक्त मंच पर उपस्थित थे। संचालन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नरेंद्र हेवरे ने किया आभार। उपायुक्त अपराध सुदर्शन मुमुक्का ने माना। गौरतलब है कि इस समय सहायक आयुक्त संतोष खांडीकर, वरिष्ठ निरीक्षक संतोष बकाल, ज्ञानेश्वर भेदोड़कर, अतुल सबनीस, विनोद पाटिल, मुकुंद कवाड़े, विशाल काले, सुहास चौधरी, भीमा नरके, प्रदीप रायनवार, सीमा सर्वे, प्रभावती एकुर के, शुभांगी देशमुख आदि पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। प्रकरण में जो दो UAPA के ऑफेंसेज रजिस्टर किए गए थे, उन दोनों प्रकरण में चार्जशीट कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास दाखिल की गई है और वो मैटर अभी ट्रायल पे है। एज आरोपी का कुछ ट्रायल्स दूसरे स्टेट में चल रहे थे, इसलिए वो उस कर्नाटक के जेल में इसको ट्रांसफर किया गया है। जब उसकी ज़रूरत होगी तो चाहे तो VC पे या फिर उसको यहाँ लाया जाए। मैं जनता को ये बताना चाहूँगा कि हमारे 8,000 पुलिस अधिकारी कर्मचारी इस इतनी बड़ी शहर के हर जगह पे 24 घंटे 365 दिन हाजिर नहीं रह सकते, उपस्थित नहीं रह सकते। जनता पुलिस की आईज एंड ईयर्स है, अगर वो हमको इन्फॉर्मेशन देगी, हमको क्राइम कंट्रोल और ओवरऑल डिसिप्लिन इन्फोर्स करने में मदद मिलेगा। डायल 112 ये एक वन स्टॉप पॉइंट है, जहाँ पे कोई भी जो भी कॉल्स आते हैं उसकी पुलिस दखल लेती है। मैं लोगों से आह्वान करूँगा कि आपके परिसर में किसी प्रकार की इरिटेंट या न्यूसेंस हो, आप ज़रूर डायल 112 पे फ़ोन करें। पुलिस 5 मिनट के अंदर आपके घटनास्थल पे पहुंच के आपके जो भी तकलीफ है, जो भी न्यूसेंस है, उसको रिड्रेस करने की प्रयत्न करेगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष ठेमरे, BCN News, नागपुर।